ओ, रिपेयर हो गया आपका? मैम। अच्छा, तो अभी हम बाहर है, आप 5 बजे तक आ सकते हैं। कितने बजे तक? 5 बजे तक? 5 बजे तक मैं फोन करता एक बार, मेरा कॉल है 5 बजे का, मैं देख के अगर हो जाता तो मैं फोन करता आप। नहीं, क्योंकि आप वरना क्योंकि अभी मैं घर पे हूं नहीं, तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगी ना, तो पेमेंट भी तो करनी है आपकी। चलेगा, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मैं चेक कर दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं तो जाएगा। आप जाइए घर पे, लड़का तो घर पे है, आप लगा के देखिए चालू होता है कि नहीं। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है मैम। हाँ भैया, क्या हाँ प्रॉब्लम मैम, थी मदरबोर्ड में? उसका आईसी खराब हो गया था। आईसी क्या होता है? वो एक आईसी पावर आईसी के जैसा रहता है, वो जैसे उसका सिस्टम मेमोरी आईसी के टाइप्स रहता है, वो खराब हो गया तो आपने नया डाला, था। हाँ जी, वो चेंज करना पड़ता तो पुराना वाला आपने दिया लड़के को? है मैडम। वो पुराना वाला छोटा पार्ट रहता है, वो रिपेयर किया हूँ मैंने, कोई रिप्लेस नहीं किया हूँ। जैसे छोटा पार्ट रहता है ना, हाँ, जैसे टीवी वगैरह में रहते हैं रेजिस्टेंस वगैरह, वैसा छोटा पार्ट रहता है वो। तो आईसी आपने जो भी रिपेयर किया आप बता दीजिए ना लड़के को, आपको बताना चाहिए ना, मुझे तो पता चलना चाहिए ना कि कौन सा पार्ट रिपेयर किया। मैडम रिपेयर का कोई ये पार्ट आपको कोई नहीं ला के देगा, आप छोटा वाला बोलेंगे तो। अभी हम लोग जो रिपेयर के लिए देते वो हमको नहीं देता, हम लोग खुद रिपेयर नहीं करते, वो रिपेयर वाले अलग रहते, उनको हम ले जाके दे देते हैं, हमारी कंपनी वो रिपेयर करके हमको दे देता है ऐसा। तो नहीं, क्योंकि आप जब लेके गए थे तो आपको पता नहीं था ना कि क्या पार्ट खराब है, इसलिए मैं आपको मैडम पूछ रही हूँ। तो हम इसके लिए तो पीसीबी रिपेयर का मैंने आपको बता दिया ना, तो इसमें रिपेयर होगा। अभी क्या पार्ट है खराब है, वो रिपेयर वाला हमको रिपेयर करके दे देता, हम लाके फिट कर देते ऐसा। नहीं, अभी आप जब लेके गए तब आपको आईसी के बारे में पता नहीं था, अब आप लेके आए हो तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ ना क्या पार्ट खराब तो था। मैडम मैं बताया ना आपको कि उसका बोल रहा था वो आईसी खराब है, मतलब ठीक है चलेगा। आप अगर पहले मेरे को बोलते थे कि वो पार्ट भी चाहिए तो मैं उसके हिसाब से उनको बात करता था हाँ, तो पार्ट उन्होंने फेंका तो नहीं होगा ना, वहां पे होगा ना उनके मैडम। पास? वो सब पार्ट कोई रखता नहीं है, वो तुरंत कचरे में डालते हो, रिपेयर होता है वो छोटा पार्ट रहता है, जल जाता है, वो मालूम भी नहीं पड़ेगा ऐसा रहता क्योंकि है। हाँ जी, वो चेंज करते हो लोग। और जूना पार्ट वो अभी उन्होंने फेंक दिया है, ऐसा आप कह रहे हो? हाँ वो हम पूछते नहीं उनको, हम बात भी नहीं करते वैसा, वो दे देंगे रिपेयर के लिए, वो रिपेयर करके दे देंगे, तो ये हम उनसे रिपेयर पार्ट वाले नहीं कौन मांगते, है? वो कोई अर्बन? नहीं देगा नहीं नहीं आपको। नहीं नहीं भैया, हमको सब पूछना पड़ता है, पैसे दे रहे हैं ना आपको, जी जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना बिल्कुल, आपकी आपको। बात बराबर है, लेकिन मैं हाँ, भी आपको बता रहा हूँ ना कि जैसे हम लोग वो पीसीबी का रहता है ना, जैसे कोई बड़ा पार्ट रहता है मोटर वगैरह खराब हुआ तो मैं वो चेंज करूंगा ना, मैं आपको जूना ला के दे दूंगा ऐसा। और पीसीबी का रहता है ना तो कोई और रिपेयर करता है, तो ठीक है, तो वो रिपेयर वाला ला के। जी वो कौन होता है, अर्बन कंपनी से होता है कि वर्लपूल से होता है? नहीं, वो अलग रहते हैं, अर्बन कंपनी वो का होता है। पीसीबी रिपेयर, जी वो पीसीबी रिपेयर वाले अलग रहते हो। तो आप अर्बन कंपनी के सेंटर पे लेके गए और वहां पे उन्होंने रिपेयर करके दिया। जी, हाँ ठीक है, मैं आपको, आप मुझे अपना क्यूआर कोड भेजिए लड़के के व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है, ओके ओके। कुछ ओके। प्रॉब्लम रहेगा मैडम ना, कुछ जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा ना तो आप फोन कर सकते हैं, आके देख लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, बट वैसे मुझे मैं चेक करके अर्बन, जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं भैया, मेरे को देखो जी, पूछना पड़ता है, बिकॉज मुझे मेरे नहीं जी हस्बैंड से बिल्कुल, पैसे लेने आपकी पड़ते मैडम हैं। आपकी बात बराबर है, बट कैसा रहता ना वो हमको भी नहीं बताते ऐसा। बाकी चीज का रहता ना तो मैं आपको जूना ला के दे देता, जैसे मैं वो चीज करूंगा, जैसे मोटर चेंज किया तो मैं आपको जूना वाला ला के दे, मैडम ये वाला नया मैंने डाल दिया ऐसा। तो रिपेयर वाला ना हमको नहीं बताते, वो रिपेयर उनका तुम्हारा काम होगा, लेके जाइए ऐसा रहता उसके हाँ, लिए, तो बाकी वो कोई ही है प्रॉब्लम ना, नहीं। क्योंकि क्या है, अभी मेरे को मेरे जी हस्बैंड को बताना पड़ेगा ना, वो मुझे पूछेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जी क्या बिल्कुल पुराना पार्ट बिल्कुल। है ही नहीं, है ना? नहीं, आपका पीसीबी बोर्ड आपका ही रहेगा, रिपेयर का मतलब समझते हैं, जो छोटे मोटे जो भी उसमें खराब रहेगा वो चेंज करते हैं ऐसा, ठीक पूरा है, रिप्लेस करते। जैसे मैंने पूरा पीसीबी आपका रिप्लेस किया तो मैं ये जूना वाला ला के देता और मैडम बताता ये नया मैंने डाला है ऐसा, मैंने रिपेयर किया आपको बताया हाँ, रिपेयर किया, था। रिपेयर में ओके आपने आईसी का कुछ रिपेयर किया। ठीक है, जी, ठीक है, ओके। हाँ ओके मैम, मैं इनको स्कैनर भेज दे हाँ देता हूँ, स्कैनर भेज आपको भेज दीजिए, दूंगा। और जी इनके सामने उनको बोलिए कि कपड़े डाल के जरा चालू कर ले आपके सामने। जी जी ओके, ओके। हाँ।
the complaint on the Insta. May I know what is the issue? It is just that I want to know if your technician has done the correct repair or not, because I have to clear his payment. I am not at home. He took the motherboard of the Whirlpool washing machine, saying that there was some repair issue, but he did not get the old part of the repair work done. And he was talking about some technical word called as IC ko change kiya hai ya repair kiya hai. IC got it change in the PCB, ma'am, in the motherboard. Yeah, so I don't know that. I just want to understand that I have not been made a fool, because people can just take the motherboard and do some wiring connection and just come back and charge me. Because I'm not going to the repair shop, na? I understand, ma'am. But PCB and motherboard is the thing which need to be repaired only on the service center. They cannot be repaired at the customer place. So, it has been repaired where? If you want. तो वही तो मैं आपको पूछ रही हूँ मैडम कि आपने रिपेयर कहाँ किया, अर्बन कंपनी के सर्विस सेंटर पे रिपेयर किया कि वर्लपूल के सर्विस सेंटर पे रिपेयर किया? मैम वो मैं आपसे कितने प्रोफेशनल से बात करवा सकती हूँ, वो आपको क्लियर कर देंगे मैम. नहीं, आप खुद बात करके मुझे बताइए ना, बिकॉज प्रोफेशनल तो मुझे क्लियर इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है. उसके तो वीडियो मैंने आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर ही दिए. ठीक है मैम, मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट बात करके फिर आपको इन्फॉर्म करती हूँ. हाँ, बिकॉज मैं यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है ना, मेरे को उसकी पेमेंट क्लियर करनी है, तो मैं कहीं पे बैठी हुई हूँ. तो अभी तक मुझे या थैंक यू. मैम आप हैव यू चेक द मशीन आल्सो? No, I have not checked the machine. Okay. I am not in the house and my servant has not given me the video. So, I have to check the machine. So, I told him to come at 5 o'clock. But, usne bola tha ki uska koi dusra appointment hai. So, I said, right. Okay. Abhi main ko pehle machine check karungi, to main payment clear karungi. Okay, give me time to confirm with him. Otherwise, ma'am, you can also clear the payment. Because, ma'am, the thing is that your machine will be under warranty with our Arvind company. If you will face any issue, we will arrange another professional for you or the senior technician also. Madam, I don't have time for this. You need to tell me where was the motherboard repaired. Aapki urban company ke kaun se service center mein. Theek hai ma'am, mujhe time dijiye. Thank you. अच्छा, क्योंकि मैंने तो आपके सर्विस सेंटर में फोन किया था, तो वो मुझे अपडेट देने वाले थे, तो मेरे को लगा वो आपसे बात करवाएंगे. उन्होंने मुझे वो आपसे फोन करके मुझे बात क्यों नहीं करवा रहे? नहीं, मेरे से फोन आया तो उनको बताया, तो मेरे सर्विस सेंटर का फोन तो आया था, मैं बताया उनको ऐसा है, ठीक है. तो कौन सा सर्विस सेंटर था? क्योंकि वो मुझे कह रहे थे आपसे बात करके मुझे बताएंगे, क्योंकि मेरे को पेमेंट रिलीज करनी है आपकी. नहीं नहीं, हमारे कंपनी में आपने फोन किया था ना? हाँ, अर्बन कंपनी में हेल्पलाइन में. हाँ, उन्होंने मेरे को फोन किया था ना, तो बताया ना उनको, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं ना, इसलिए तो यही तो दिक्कत है. मैं उनके फोन का वेट कर रही हूँ और फिर आपका पेमेंट रिलीज कर रही हूँ. अगर पहले मेरे को बोलते ना कि मेरे को पार्ट चाहिए, जो भी चेंज करेंगे, मैं पूरा रिप्लेस नहीं किया हूँ मैडम, रिपेयर किया हूँ. सर, आपकी कंपनी मुझे क्यों नहीं फोन कर रही है? मैं तो आपकी कंपनी का वेट कर रही हूँ ना, तो आपकी कंपनी को बोलिए ना मुझे फोन करे, मैं तो उनके फोन का वेट कर रही हूँ. मैडम अभी मैं उसके लिए, मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे एंड से मैं उनको नहीं बोल सकता. हमारा हेल्पलाइन अलग रहता है, आपके जो ऐप में दिखाते हैं आप हेल्पलाइन में डालेंगे तो आ जाएंगे, फोन करेंगे वो लोग आपको. बट आपका तो ऑलरेडी 5 बजे का दूसरा जॉब था ना, तो वो तो आपका जॉब है ही है. और आप मुझे अपना सर्विस सेंटर का डिटेल बोल दीजिए अभी, तो फिर मैं उनको बोल देती हूँ ये सर्विस सेंटर क्या कंफर्म कर रहे हैं. वो क्या चीज का सर्विस सेंटर मैडम? कहाँ पे आप लेके गए थे रिपेयर करने के लिए? सर्विस सेंटर में नहीं लेके गए, तो शॉप पे रिपेयर के लिए लेके गए थे. मैं कोई सर्विस सेंटर से नहीं आया, आपको वर्लपूल में काम कराया था. कौन सी शॉप में लेके गए भैया? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ. नो, मैंने पहली बार आपसे बहुत पुराने, कोई पहचान? इसका क्या प्राइस है? मुझे अभी एक कागज पे सब लिख के देना, ये इसका बता दो फोटो है, उसका प्राइस बता. चश्मे में सब ये 613, मतलब इससे ज्यादा ली पड़े, 342 उससे ज्यादा है जो तेरे पास करंट. इसका भी मुझे प्राइस बताना. ये आएगा 69,000. और ये आएगा 33,000. एक्सचेंज कैसा पड़ेगा? एक्सचेंज में कितने साल पुराना है ये एलजी का फ्रिज आपका? जो मैं आपको वो बिल दे दूंगी. बिल का नहीं, कितने साल पुराना है? 17 पाँच
पाँच साल दस साल तीन साल दस साल के अंदर है दस साल के अंदर मगर इसका कुछ मुझे सर्विस वर्विस का बहुत प्रॉब्लम है शॉप अच्छी ग्राहक है क्योंकि क्रोमा से लिया है और क्रोमा वाले कुछ हेल्प नहीं करते हैं तो मैं बार बार उनको फोन नहीं कर सकती कोई प्रॉब्लम नहीं आता हमारे हम खुद ऑथराइज डीलर है ये वो सब तो प्रॉब्लम आता है तो मुझे क्या है शॉप वालों को फोन नहीं करना मुझे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए कि मैं अल्फा में कंप्लेंट करूं तो मुझे आपको हमको करोगे तो हम कंपनी वाले को भेजेंगे कंपनी वाला आके जो भी ठीक कर देगा तो आप मुझे बताइए कितना आप करेंगे इसका समझो ना चालू है कि बंद है वो चालू चालू है 3000 रुपये पकड़ो उसका 3000 इस महीने नेगलिजिबल भी तो बहुत कम है कुछ भी नहीं हुआ लॉक वाला तो इसमें नहीं है घूमना पड़ता है सर्वेंट के साथ क्योंकि सर्वेंट्स के साथ छोड़ते हैं ना भैया तो खाना में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए खाना मतलब सेफ होना चाहिए कैमरा भी लगा होता है मगर लॉक नहीं है तो लॉक कौन से ब्रांड में है क्योंकि मैं अभी देख के जाऊंगी मेरे पापा को बताऊंगी फिर मैं आपको कल आके या फोन पे ऑर्डर दे दूंगी फिर पेमेंट कर दूंगी आपका जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था फाइनल कर लेना अभी ये आपने कौन सा दिया ये सैमसंग का सैमसंग कैसा है सैमसंग और एलजी दोनों इक्वल आएगा ब्रांड वाइज ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा तो अभी आपको जो बताऊंगा देखो लॉक नहीं दे रहे हो ना लॉक नहीं इसमें कंपनी नहीं दे रही है ऐसा ये अंदर जा रही है स्पेस ये जापानीज ब्रांड है नेट कैपेसिटी देती है बाकी कोरियन ब्रांड में जाओगे ना एलजी सैमसंग ये सब में वो सब कोरियन आपको कोरियन ब्रांड है उसमें आपको नेट कैपेसिटी अंदर का नहीं मिलेगा वो बाहर से बता रहे हैं ऐसा तो आप अमेजोन से कितना सस्ता दे रहे हो अमेजोन पे कितना है 39.99 और आप 33 में दे रहे हो और उस पे आप बोल रहे हो एक्सचेंज में माइनस हो जाएगा 30 पड़ेगा मुझे वेबसाइट पे देख लेते हैं लॉक नहीं है मालूम पड़ जाएगा नो आई डोंट वांट वेरी बिग फॉर दिस हाउस एंड आई डोंट वांट बट आई जस्ट वांटेड अ लॉक या इवन आई एम सैमसंग इसमें शॉप में कोई और ब्रांड में लॉक नहीं है वही चेक कर रहा हूं लॉक नहीं है ब्लू स्टार में नहीं होता ब्लू स्टार में वो फ्रीजर आता है या फ्रिज आता है ऐसा ऐसा नहीं आप बना देते ऐसा नहीं आता ये बना दी नहीं ब्लू स्टार बिकॉज आपका ब्लू स्टार का फ्रीजर ठीक है पर वो ठीक कम चल रहा है नेचुरल में या तो आप मुझे ये लिख के दे दो ब्रांड और ये मैं अपना फोटो खींच कर दिया हुआ नहीं है नहीं तो लॉक का क्या इधर रहता ही है लोगो लॉक तो होता ही है ना नॉर्मल सी बात है आप उनको फोन करके पूछ सकते हो हाँ, लॉक वाला कौन सा है इनके जो भी कस्टमर केयर को तो आप इनको फोन करके मुझे बता दो तो इसका क्या प्राइसिंग है ये 37,700 का 37,700 ये आपका प्राइस है आपका क्या प्राइस है ये अपना प्राइस ही है आपका 37,700 इसका MRP है कुछ 61,590 आपको आप इतना कंसेशन कैसे दे रहे हो देते हैं क्योंकि अपना मार्जिन लेवल कम रखते हैं अच्छा आप अपना मार्जिन कम रखते हो अच्छा ये 40 में दे रहा है 40 रुपए में बिक रहा है अपना प्राइस है 37,700 और उसका एक्सचेंज में वही बंगार वाले को उठा के उसका ऐसे ही आता है छोटी छोटी चीज में वही कोई प्रॉब्लम वही देखेगा तो वही देखेगा जिसको पता होगा फ्रिज वो आराम से उसको ठीक कर देगा
क्रोमा वाले हेल्प नहीं कर रहे तो मैं बार बार नहीं, मेरे को उनसे खरीदना भी नहीं है, मैं इसलिए यहाँ पे आया। और कुछ है ऑप्शन? Because a lot of people underestimate you, know, so I have to show them how intelligent you are. Got it? Yeah. We play the game the way the game is supposed to be played. Yeah. So we are now in a rental taxi. Is it necessary to clarify? Yeah, because my Mercedes ko, I didn't want to take a risk because parking is very difficult sometimes when you're going to Alpha Market and everywhere. Yeah, because the drivers are new and then Sangram will say, "Meri gaadi pe scratch aa gaya." So I like this rental thing. You should use it also. And in Ahmedabad, you can just tell me, I'll book it for you. No. You will just sit in the location. That's it. No. You get confused. No, I'll manage myself. I don't want your help. Thank but your you. Friend Shashi had booked no cab that day on her own. Okay, bye. जी मैम, तो अभी बेसिकली आपने कंसर्न रेस करते हैं कि आपको जानना था कि सर्विस सेंटर का एड्रेस या फिर जहाँ से प्रोफेशनल ने वो रिपेयर करवाया, राइट? जी, क्योंकि अगर आपका प्रोफेशनल एक्चुअली प्रोफेशनल था तो वो मदरबोर्ड को यहाँ पर ही रिपेयर कर सकता था मेरे सामने, तो अगर वो यहाँ से लेके गया तो कहाँ लेके गया? बिकॉज अभी मशीन मैंने चला के देखी तो कपड़ों में पानी थोड़ा रुका हुआ है, मतलब इट्स नॉट कम्प्लीटली ड्राई, क्योंकि आई वॉज नॉट इन द हाउस वेन ही केम, नो, बिकॉज उन्होंने मुझे बोला कि 5 बजे उनकी बुकिंग है तो वो पीछे में आएंगे और करेंगे, तो अभी आप बताइए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देयर इज एन ऑप्शन कि ना सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं अगर मदरबोर्ड या किसी भी अदर पार्ट में इशू आता है तो दे डू नॉट कैरी द स्पेसिफिक पार्ट्स और द मशीन्स टू रिपेयर दैट पर्टिकुलर पार्ट मैम, ओके, सो दैट्स द रीजन उनको लेके जाना होता है, सो उनसे मेरी कंफर्मेशन हुआ तो दे जस्ट गॉट इट रिपेयर्ड विद देयर वेंडर्स जो उनके कहते हैं कॉन्टेक्ट में होते हैं, बट ऑन दिस पर्टिकुलर रिपेयर वर्क मैम द अर्बन कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू द वारंटी फॉर 6 months, ओके, सो कंपनी इज द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस रिपेयर वर्क और एनीथिंग इन द फ्यूचर मैम, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर आपको कोई इशू आता है वी विल प्रोवाइड यू द सर्विस अगेन ईदर विद द सेम प्रोफेशनल और विद द सीनियर गाय फ्रॉम आवर साइड। बट जो वारंटी पीरियड जो आप सेल कर रहे हैं एक्चुअली माय आइटम शुड क्वालिफाई फॉर दैट रिपेयर, नो, क्या पता हो एक तार ही निकली हो ये हो और मदरबोर्ड को खोलने की जरूरत नहीं हो और आप लोगों ने मुझे 2000 का बिल पकड़ा दिया, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड ना कि माय आइटम माय प्रोडक्ट एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर दिस रिपेयर ऑफ मदरबोर्ड। For that, if you have any concern like this, you can get this check with your respective brand also. क्योंकि अगर उस पर repair होता है तो obviously वो repair का काम दिखता है, आप किसी भी चीज में कोई repair होता है कुछ भी होता है तो वही ना, तो आपका technician पुराना item लेके आया नहीं, आपने मुझे bill में ये नहीं बताया कि आपने क्या part change किया, कहाँ repair किया, verbal communication हो रही है और ad hoc bill मेरे से चार्ज किया जा रहा है। नहीं, मुझे पता है मदरबोर्ड क्या होता है, लैपटॉप का भी मदरबोर्ड होता है, तो जो लैपटॉप में कोई पार्ट रिप्लेस नहीं हुआ है, मतलब जो रिपेयर क्या कहते हैं उसमें कोई पार्ट रिप्लेस नहीं हुआ है आपके मदरबोर्ड में किसी का, जो उसमें रिपेयर वर्क हो रहा था जो चीज शॉर्ट हो गई थी उसको रिपेयर कराया, आपका पार्ट रिपेयर मैम हुआ है या फिर नहीं, खाली टेक्नीशियन ने आके खाली उसको नॉर्मली खाली एक तार ही लगा दिया जैसा की आप कह रहे हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। यू कैन प्रोवाइड इंस्पेक्शन रिपोर्ट फ्रॉम पर्टिकुलर ब्रांड
जिसपे कुछ रिपेयर नहीं हुआ. नहीं सर, आई डोंट हैव अ टाइम फॉर ऑल दिस. आई एम जस्ट आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन बिकॉज यू आर नॉट गिविंग मी अ डिटेल्ड बिल. यू आर वॉन्टिंग टू सेल योर 6 months वारंटी पीरियड आइडिया टू द कस्टमर, बट आप अपने बिल में तो डिटेल्ड ये नहीं बोल रहे हो ना कि मैंने ये रिपेयर किया है. आप खाली बोल रहे हो अननोन एरर, मैं लेके गया मदरबोर्ड, मैंने ये किया. आप ना मुझे अपना वेंडर का नाम बता रहे हो, आप ना मुझे अपना सर्विस सेंटर में लेके जा रहे हो, आप सिर्फ वारंटी बेच रहे हो तक. क्योंकि मेरा तो ये टेक्निकल एरिया है नहीं. या तो आप मुझे डिटेल्ड बिल दो कि मैंने यहाँ पे चेक कराया है, ये किया है, ये किया है. मैं समझ गई, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो. आई होप आपको समझ पड़ा है कि मैं क्या कह रही हूँ. बिल्कुल मैं आपकी बिल्कुल बात, ठीक है. क्योंकि मैं यहाँ पे पेमेंट करके आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर अटक जाती हूँ, तो मैंने आधी पेमेंट करी है. आप मुझे डिटेल्ड बिल भेजिए कि आपने आईसी में रिपेयर किया है, वर्बल कम्युनिकेशन की जगह मुझे डिटेल्ड बिल भेजिए. आप जैसे ही कहते हैं कंप्लीट पेमेंट करेंगे, यू कैन एबल टू डाउनलोड द इनवॉइस. नो नो, इनवॉइस जो आपके टेक्नीशियन ने दिया है वो इनवॉइस इज नॉट अ डिटेल्ड इनवॉइस, इट इज जस्ट अ वेग इनवॉइस. After, because last time आपने कोई पेस्ट वाले को मेरे घर पे भेजा था, उसने पेस्ट किया ही नहीं था. एक महीने के बाद फिर से कॉकरोचेज आ गए थे और वो पैसा लेके चला गया था और मुझे इतना फॉलो अप करना पड़ा था फॉर दैट 1500 rupees. सो द होल थिंग इज इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मनी, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट इज योर टेक्नीशियन गिविंग मी करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट कंसल्टेशन फॉर द प्रोडक्ट. I completely agree with your points, ma'am. I have cross-checked with the professional also, and he confirmed that the PCB got repaired. On that, so kindly do the needful that I am telling you. You know my name because you are from the social media team. I can do one thing. I can do one thing. We will provide you an email confirmation stating that the PCB got repaired from us. Yeah, send me an email. I am an educated person, and I'll revert back. Enough of interaction I've done, and I've tried to explain you also what is my query as a customer. Not as an actress, okay? Thank you. We are getting this thing cut because वो bamboo के अंदर पानी भर रहा था और मच्छर आ रहे थे. So we are cutting this extra part. And let's see what's going to happen because Veena is calling the shots. हाँ Veena, so what are you planning to do? Cut. Cut? Yeah. Okay, it is your decision. I am not a part of it. It was very untidy. So I am not getting inside this decision at all. It is your, you're the boss. Okay? I don't like it. You don't like it? You're the boss. So much of water is coming. My mother has opened this. Yes, Veena, this is looking neater. Yeah. Neater, I just get that water removed also. And I want to make the whole line neat. You, what do you want to do? I want to make the whole line neat. Yeah, abhi dekhte hai ye kab tak rukta hai. Barish mein. My mother called the shots because I can't be calling shots every time. You have to make more leaders, and you have to be the boss on top of them. Yeah, baby.